गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे होना सभी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.D के नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे 11 टू 18 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। देखो, जैसे पहले क्वेश्चन हम किया था वैसे ही अब करना है। आपके पास दो ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है, सब में क्या है, दो दो टर्म्स हैं। तो क्या करते थे, जो फर्स्ट वाली टर्म है उसके साथ जो सेकंड वाली ब्रैकेट है इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये 3/4 4a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4a के साथ, ठीक है, प्लस 3/4a इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3b के साथ। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, अब क्या करेंगे, 2/3 की मल्टीप्लाई प्लस 2/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4a के साथ, 4a के साथ। वैसे ही प्लस 2/3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 3b के साथ। आई बस में यहाँ से देखो, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बच गया मेरे पास, 3a मल्टीप्लाई a, क्या हो गया मेरे पास, a स्क्वायर। 3 जा 9 9/4 प्लस हो गया मेरे पास 9/4, क्या हो गया मेरे पास, a मल्टीप्लाई बी, यानी कि a b, ये क्या है, 9 है। ठीक है, आगे 2/3 और 4 4 2 जा 8 8/3 बी ए, ए भी लिखूँ यहाँ पे, बी ए लिखूँ, दोनों क्या है इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, 2b, क्या बच गया, 2b। आई बस में अब देखो, अब क्या करेंगे, ए बी और ए बी क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो 3a स्क्वायर प्लस 4 और 3, इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 4 और 3 का 12, कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कितना आएगा, 97ab। आई बस में 3 4 जा 12, 4 4 8 जा 32ab प्लस 2b, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3a स्क्वायर ऐसा का रहेगा। ये एक मिनट, ये 2/3b है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ साथ में क्या आएगा, b है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, b स्क्वायर, तो एक b रह गया था यहाँ पे। ओके, तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 27ab और 32ab, दोनों को ऐड कर दो, 7 और 2 9 और 3 2 5, तो कितना आ गया मेरे पास, 59ab डिवाइड बाई कितना है मेरे पास, 12 प्लस 2b स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, या ओके, आई बस में क्या था, 3/4a था, 2/3b, 4a और 3b, तो 3/4a की मल्टीप्लाई 4a के साथ कर दे, 3/4a की मल्टीप्लाई 3b के साथ, वैसे ही 2/3b की मल्टीप्लाई 4a के साथ, 2/3b की मल्टीप्लाई 3b के साथ। तो ये जो हमने सोल्व किया, तो ab वाली लाइक टर्म्स आ गई, a स्क्वायर b स्क्वायर वाली अनलाइक टर्म्स आ गई, तो ab वाली लाइक टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, तो कितना हमारे 59 12, तो आंसर आपका ये रहा। ठीक है, आज बस में आगे है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 13 बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 6x^4 y^4 x^2 - y^2, तो वैसे ही सबसे जैसे करते हैं हम वैसे ही करना है, पहले वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ। ठीक है, तो x^4 है यहाँ पे, देखो x^4 है, x^2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा, x^6। आई बस में x^4 x^2 कितना हो गया, x^6, ये x है ये y है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई अलग अलग ही लिखेंगे, माइनस है ये प्लस है, तो निशान किसका रहेगा, माइनस का, x^4 y^2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसके साथ। अब y^4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या है x^2, तो यहाँ लिखूँगा मैं प्लस x^4 y^4 लिख लो, या फिर x^4 लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव ला के अकॉर्डिंग, तो y^4 है, y^2 है, तो y^4 कितना होगी, 6,
प्लस माइनस, प्लस का ही है माइनस का, तो प्लस माइनस कहते हैं माइनस, तो वाई की पावर 6। ओके अब देखो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वेयर है, ये एस स्क्वेयर है, तो इससे भी क्या है अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके इसमें आप एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, वैसे तो देखो एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 6 यदि आगे करना चाहें तो, यदि मैं क्या करूं माइनस का एक्स की पावर स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा आपके पास एक्स स्क्वेयर और यहां बचेगा आपके पास माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई की पावर 6। ये ऐसे भी हो सकता है और यहां तक बाकी ये आपका आंसर सही है। ठीक है, यदि आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसे ही करना, आपको पहली वाली की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दूसरे वाले की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करनी है। तो x की पावर 4 है, 4 मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ, कितना हो जाएगी x की पावर 5, x की पावर 5 हो गई। ओके तो अब प्लस x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स है ना। ओके प्लस एक वन बाई एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स के साथ हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, वैसे ही 1 बाई 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 बाई एक्स के साथ। ठीक है, अब देखो यदि आपके पास क्या है ऊपर और नीचे वेरिएबल क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाती है माइनस होती है। देखो यदि आपके पास, मैंने करवाया था शायद एक्स की पावर a की पावर m है, या फिर x ले लेता हूँ, x की पावर m है और x की पावर n है, नीचे क्या है वेरिएबल क्या है x x सेम है, जो पावर में वे अलग अलग हैं m और n, तो इसमें क्या हो जाता है x की पावर m माइनस n हो जाता है बेटा जी, x की पावर m माइनस n यानी कि माइनस हो जाती है। जैसे मल्टीप्लाई में क्या होता है x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो ये एक्स की पावर m प्लस n हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाती है और जो डिवाइड है उसमें क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। आई बस में तो इसमें देखो x की पावर 5 है हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, तो x की पावर 5 मल्टीप्लाई में है। बट ये क्या है, एक तो क्या है मल्टीप्लाई में ये क्या है ऊपर है और ये क्या है मेरे पास डिवाइड में है x, तो इसका मतलब क्या हुआ x की पावर 4 माइनस x की पावर 1, तो ये लिख सकता हूँ मैं x की पावर 4 माइनस 1। ये बात समझ में आया x पावर 4 माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि x पावर 4 तो ऐसे ऐसे था, नीचे क्या है x पावर 1 है, तो ऊपर जाएंगे तो क्यों जाएगा मेरे पास माइनस 1 हो जाएगा। ओके इसी में ऐसे ही ये है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यदि क्या है ये, या फिर आप ऐसे भी पहले ये देख लो आप x पावर 4 है x पावर 1 है, तो इसको ले सकता हूँ मैं x पावर 1 माइनस 4, जो उनसे नीचे होते हैं ना वो क्या हो जाती है मेरे पास माइनस में हो जाती है। ठीक है, आगे देखो प्लस एक्स पावर 4 एक्स पावर 1, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 1 एक्स पावर 5 डिवाइड में नीचे है, तो नीचे ही हम ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है नीचे वेरिएबल है, यदि दोनों नीचे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ओके अब इसको सोल्व करेंगे एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 3, 4 में से बन गया 3 बच गया ना, और यह क्या है एक्स पावर माइनस 3 प्लस एक्स पावर 5, यदि क्या है एक्स पावर माइनस एम है तो इसको ले सकता हूँ मैं एक्स पावर एम, यदि माइनस में है तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी वो प्लस में हो जाती है, तो माइनस का 3 है तो इसको ले सकता हूँ मैं एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स पावर 5, ये आपका आंसर। आई वास्तव में यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, एक्स पावर 4 है एक्स पावर 1 है, तो एक पावर क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स की पावर 3, यहाँ पे क्या एक्स पावर 4 है ऊपर क्या है एक्स पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा एक्स की पावर 3, ये और दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, ये तो है ही आपने, तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आई वास्तव में इतना समझ में आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर गया हम रफ कर दूं मैं,
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये आपके पास तो पहले वाले की मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे ना, 3p² मल्टीप्लाई हो जाएगी 2p² से प्लस 3p² की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, माइनस है तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3p² माइनस के 3q². ओके आगे क्या q² की मल्टीप्लाई हो जाएगी मेरे पास q² मल्टीप्लाई 2p² के साथ, ठीक है, और q² की मल्टीप्लाई माइनस के 3 है तो माइनस के q² मल्टीप्लाई 3q², ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 p² p की पावर 4 माइनस 3p² q² 3 × 3 = 9 तो 9p² q² ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे p² q² ये रहा 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 बन जाए 2 यानी कि प्लस के 2p² q² और माइनस के q² क्या हो जाएगा 3q की पावर 4 ये, ठीक है। आगे देखो लाइक टर्म्स बन गए मेरे पास p² q² इनको ऐड कर देंगे 6 × p² 4 माइनस के 7p² माइनस के 3q² माइनस के 2 है सॉरी माइनस के 9 प्लस के 2 कितना बचेगा माइनस के 7, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 आई बस में, ठीक है। ऐसे आपको करने हैं 18 तक करने हैं आपको क्वेश्चन, ओके कर लोगे सभी क्वेश्चन नंबर 18 तक।